सुभाष चंद्र बोस की जयंती हर साल 23 जनवरी को मनाई जाती है। इस साल भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस का पर्व 24 जनवरी की बजाय 23 जनवरी से मनाने का फैसला लिया है। अब से हर साल सुभाष चंद्र बोस की जयंती गणतंत्र दिवस के पर्व के रूप में मनाई जाएगी। भारत सरकार का यह निर्णय नेताजी के सम्मान और देश की स्वतंत्रता में उनके संघर्षों को याद रखने के लिए लिया गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल मास्टर इंडिया में। दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस एक वीर सैनिक, योद्धा, महान सेनापति और कुशल राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने देश को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और हर भारतीय को आज़ादी का महत्व समझाने तक हर सफल प्रयास भी किया। और उनका प्रसिद्ध नारा था कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये वह नारा है जिसने हर भारतवासी के खून को गर्म कर दिया। इस नारे ने अंग्रेजों से लड़ने के लिए एक ऐसी ताकत दी जिसे हम देशभक्ति का नाम दे सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस काफ़ी होनहार विद्यार्थी थे। वो अपने छात्र जीवन से ही हर परीक्षा में प्रथम आया करते थे। साल 1915 में उन्होंने इंटरमीडिएट की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और उनके माता पिता चाहते थे कि सुभाष चंद्र बोस भारतीय प्रशासनिक सेवा में जाएं, इसलिए उन्हें सिविल सर्विसेज की तैयारी के लिए कैम्ब्रिज विद्यालय भेजा गया और सिविल सेवा परीक्षा में नेताजी का चौथा स्थान रहा। दोस्तों, ये किसी बड़ी उपलब्धि से कम नहीं था कि जब अंग्रेजों के समय में किसी भारतीय के लिए किसी परीक्षा में पास होना तक मुश्किल था, तब नेताजी ने भारतीय प्रशासनिक सेवा में चौथा स्थान हासिल किया था और पद संभाला। लेकिन भारत की स्थिति और आज़ादी के लिए सब छोड़कर स्वदेश वापस चले आए और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़ गए। गांधी जी और नेताजी के विचार कभी नहीं मिले, लेकिन दोनों नेताओं की मंशा एक ही थी, भारत की आज़ादी। महात्मा गांधी उदार दल के नेता थे, लेकिन सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी दल के नेता थे। देश की आज़ादी के लिए सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और उन्होंने आज़ाद हिंद बैंक की स्थापना की। दुनिया के 10 देशों ने उनकी सरकार, फौज और उनके बैंक को अपना समर्थन दिया। इन देशों ने आज़ाद हिंद बैंक की करेंसी को भी मान्यता दी। फौज की गठन के बाद नेताजी सबसे पहले वर्मा पहुंचे, जिसे आज हम म्यांमार के नाम से जानते हैं। नेताजी की ताकत बढ़ ही रही थी, लेकिन अचानक से 18 अगस्त 1945 ईस्वी को एक खबर आई कि सुभाष चंद्र बोस का निधन हो चुका है। हालांकि ये एक रहस्यमयी तरीके से उनकी मौत हुई, जिसे आज तक कोई नहीं जान पाया और ये भारतीय इतिहास की सबसे रहस्यमयी मौत है। नेताजी की मृत्यु बताया जाता है, कुछ लोगों का कहना है कि सुभाष चंद्र बोस का हवाई जहाज मंचूरिया जा रहा था और रास्ते में ही लापता हो गया, लेकिन इसकी कोई आधिकारिक तौर पर कोई पुष्टि नहीं हुई कि आखिर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु आखिर हुई कैसे। तो दोस्तों, सुभाष चंद्र बोस के बारे में ये जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही और अमेजिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल मास्टर इंडिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।